नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित तोलाड़ क्लासेस में। मेरा नाम आशीष कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, जो आज एग्जाम हुआ था आपका आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, उसके पूर्ण मतलब संपूर्ण हल के बारे में। यहाँ पर मेरे पास जो सेट है वो सेट सी है, ठीक है। मैं इसमें आपके 200 के 200 क्वेश्चंस लगाने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि मैं भी कंफर्म नहीं कहता हूँ कि मेरे 200 क्वेश्चन जो मैं लगा रहा हूँ वो पूरी तरीके से सही है। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो और वो आपके हिसाब सही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर डालें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं पेपरों से संबंधित और लेटेस्ट जो आपकी वैकेंसी निकलती है उससे संबंधित मैं वीडियो लाता रहता हूं, तो उसकी जानकारी आपको जरूर मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया कि मेरे पास सेट जो वो सी है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले जो क्वेश्चन थे वो कंप्यूटर से स्टार्ट हुए थे, ठीक है, देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर छवि प्रारूप में पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज XML में X से क्या आशय है? तो इसका आंसर होगा एक्सटेंसिबल, मतलब ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर मेमोरी से पढ़े गए मेमोरी में लिखे गए डाटा को निर्देश का कंटेंट रखता है? तो इसका आंसर सही आंसर होगा मेमोरी बफर रजिस्टर, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांच, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती निर्देश शब्दों को स्पेस में लाया जाता है, तो इसको लाया जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उपकरणों को कंट्रोल सूचना का वहन करता है? तो उसका ऑप्शन आंसर होगा, मतलब ऑप्शन ए कंट्रोल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित में कौन सा ओपीसी का पूर्ण रूप है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना है? तो उसे कहते हैं सर्वर, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट को लौटाने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए कुकीज, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में क्वेश्चन नंबर दस, पावर पॉइंट प्रस्तुति में क्लिप आर्ट से छवियों का संग्रह होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, रेडी टू यूज करने का उपयोग करने के लिए तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मोबाइल धन की पहचान करने के लिए किया जाता है? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, MMID, तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12, मोबाइल फोनों को IMEI कोड में ई का क्या आता है? तो इसका जो आंसर है वो आपका है इक्विपमेंट, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, उच्च प्रारंभिक लागत, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आपके कंप्यूटर तक अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए निम्न में से किस प्रोटेक्टिव बॉल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फायरवॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से विशेषताओं में से कौन सी विशेषता प्रदर्शन की अनुमति देती है लेकिन उपयोगकर्ताओं को किसी वस्तु को संशोधित करने की या हटाने से रोकती है? तो है आपका ऑप्शन बी, रीड ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे आप 17 की, निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? तो इसका आंसर होगा NEFT, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 18 की, निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नोड केंद्रीय हब सूचना केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा होता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, रिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 19 की, एमएस पावर पॉइंट में एक नई प्रस्तुति बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा शॉर्टकट यूज किया? तो वो कंट्रोल एम, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावर पॉइंट प्रदर्शन में सभी स्लाइड्स के लिए एक समान पृष्ठभूमि छवि दिखावट का प्रयोग करने के लिए चुने, तो इसका आएगा आपका अप्लाई टू ऑल, ऑप्शन बी इसका सही है। दोस्तों ये थोड़े कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, नेक्स्ट अब बात करेंगे हिंदी क्वेश्चंस की। तो दोस्तों हिंदी में आपके 21 से क्वेश्चंस में स्टार्ट थे, तो 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनिवार्य का विपरीत शब्द है? तो वो है आपका वैकल्पिक, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
दिए गए विकल्प में सही वर्तनी चुनाव करें तो इसका होगा कर्तव्य निष्ठा, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 23। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए दिए गए एक शब्द के लिए विकल्प उचित विकल्प चयन करें तो इसका जो जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। फूल न्यूनतम कौन सी संघ है तो है एक जातिवाचक संघ, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25। दिए गए चार शब्दों में तीन समान लिंग के हैं विसंगत, तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी पहाड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 26। तो आपने एक पैराग्राफ पढ़ा होगा, पैराग्राफ को पढ़कर आपको आंसर देना था, तो इसमें आंसर आपका ये रखा है छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था, तो आंसर है ऑप्शन बी कठोर अनुशासन का पालन करना सीखे जिससे उनमें सुसंकार और सद्वृत्तियों का पोषित हो, मतलब ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 27। दिए गए विकल्पों में अकर्मक क्रिया है तो वो हुई हंसना, ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता, तो वो है ऑप्शन ए संतान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। निम्न दिए गए विकल्पों में उच्चारण का सही संधि विच्छेद है तो वो है उत प्लस चारण, तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। दिए गए विकल्पों में नीलकमल के शब्द समान किस श्रेणी में आता है, तो इसका सही आंसर होगा कर्मधार समास, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 31 की। निम्नलिखित लोकोत्तम वाहनों क्या आशय है, घड़ों पानी पड़ना इसका मतलब शर्मिंदा होना, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया, तो उसका ऑप्शन ए चिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सा लंका है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर, इसका जो आंसर सही आंसर ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। दिए गए विकल्पों में ज्येष्ठ का तत्व है तो वो होगा जेठ, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 35 की। तो दोस्तों 35 क्वेश्चन से आपके 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूछे गए थे जो सेट सी में आपके 35 से स्टार्ट हुए, तो 35 क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच हैज द सेम लेसन लाइक द गिवन वर्ड्स, तो उसका आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, फ्लेक्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 36 की। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस आप चेंज करेंगे बिना हियर्स, तो उसका जो आंसर आएगा वो बिना हियर्ड, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 37 की। चूज द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन वर्ड सेंटेंस, तो फियर ऑफ क्लाउन्स इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कलरोफोबिया, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38। फिल द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, अनुथॉर दाव इक्विप्ड फॉर द ऑब्जेक्ट हैड टायर्ड ऑफ, तो हर्ष का जो सही आंसर आएगा वो आएगा नेवर्थलेस, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 39 की। चूज द ऑप्शन एज द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, तो उसका सिनोनिम्स ढूंढना था हमें, ठीक है, अनसेंसिएबल का, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अनवाइसेबल, मतलब ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 40 की। 40 था आपका चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका बेलेंटेड, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 41 की। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, द एंशियंट फाउंटेन वाज हिडन द ट्रीज, तो ऑप्शन ए आपका सही है एमो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 42 की। चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट स्पीच में से चेंज करना था, इसका सही आंसर होगा मिस्टर माथुर सेड दैट ही हैड वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 43 की। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, देयर व्हाइट हाउस एवर देयर, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए यूज्ड टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, देयर आर, उसका जो आंसर आएगा फीवर्स, मतलब ऑप्शन सी इसका सही है, फीवर वर्ड्स इन द कंट्री साइड नाउ देन देयर वर 30 इयर्स एगो, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 45 की। 45 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, द कोल्ड वेदर हैज रियली अफेक्टेड, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब idiom, तो जंप ऑन द बैंड वैगन का सही आंसर जो होगा वो होता है टू जॉइन पॉपुलर ट्रेंड, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सैक्रिलोजिस, मतलब ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। हमसे पूछा था एक एरर इन द गिविन क्वेश्चन, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब चार पार्ट दे रखे थे, उसमें एरर पूछा था, तो एरर जो होगा वो आपका फोर्थ पार्ट में होगा, मतलब ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 49 का। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, दे से डेट न्यू बेबी इज बॉर्न, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 50 की।
चूज द फ्रॉम द ऑप्शन द करेक्ट सिनोनिम, हमें जो शब्द रखा था एक्सपेंडेंसी का उसका सिनोनिम छाटना था, इसका सही आंसर होगा वो होगा डिसएडवांटेज, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम 51 की, तो इसका हमें एंटोनियम छाटना था इसमें डिम्यूर का, तो डिम्यूर का एंटोनियम जो होगा वो होगा एरोगेंट, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 52 की, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, द सेल्समैन वाज, तो इसका जो सही आंसर होगा यूज्ड टू, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 53, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका पोर्टिटेंशियल, मतलब ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम 54 की, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब, द प्रोवर्ब इडियम जो दे रखा है हमें हिट द नेल ऑन द हेड, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 55 की, 55 में फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, द थीव्स वर एक्यूपाइड विद, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन सी डुप्लीकेट, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 में, हमें आपके चार भाग दे रखे थे, ठीक है, चार भाग में जो एरर था वो हमें छाटना था कौन से भाग में एरर है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा, मतलब दे रखा है ईच ऑफ दीज थ्री रोड्स लीड, तो ऑप्शन सेकंड मतलब कहने ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ गिविंग सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, चूज नंबर नो इम्प्रूवमेंट, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब आई कॉलिंग हर ऑफिस एट 4 o'clock yesterday afternoon, तो आपका yesterday है तो आपका पास्ट में जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही है कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 58 की, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, ए डीजल कार इज यूजुअली मोर, तो इसका जो होगा इकोनॉमिकल, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 59 की, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो पार्ट ऑफ स्पीच तो क्या कह रहा है, यू कैन चेक द ऑनलाइन बट यू हैव टू डू इट एट लीस्ट 4 hours बिफोर, तो बिफोर क्या होता है, एक प्रेपोजिशन होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 60 की, 60 दे रखा है हमें, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट टेंस फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, तो दे स्टे इन द होटल नेक्स्ट आवर, तो दे वर स्टेइंग, तो ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 61 की, चूज द एप्रोप्रिएट एक्टिव पैसिव फ्रॉम द गिवन पैसिव एक्टिव सेंटेंस, तो एक्टिव में दे रखा है पैसिव, सॉरी पैसिव में दे रखा है, एक्टिव में चेंज करना, द बुक बेकिंग डिलाइट्स वाज पब्लिश्ड बाय पिजन रैंडम हाउस, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पिजन रैंडम हाउस पब्लिश्ड द बुक बेकिंग डिलाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 62 की, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडोमेटिक एक्सप्रेशन, तो टू किल द फैटेड कॉप, इसका सही आंसर होगा वो होगा टू सेलिब्रेट, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 63 की, चूज द करेक्ट ऑप्शन डेट फॉर्म ए मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस, तो इसका हमें 4-5 भाग दे रखे थे और हमें इस तरीके से सेट करना था कि इसका सही एक सेंटेंस बन सके, तो उसके हिसाब से पहला जो आएगा वो आएगा आपका थर्ड, ठीक है, नंबर दो पे आएगा आपका फर्स्ट वाला, तो इस तरीके जब आप सेट करेंगे तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही आएगा, थर्ड फिर फर्स्ट फिर फाइव फिर फोर्थ फिर सेकंड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, 64 चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द बेस्ट एंटोनी ऑफ द कंडम, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस, हमें चार पार्ट दे रखे हैं, एरर छाटना है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन आपका सेकंड, मतलब सेकंड वाला इसमें हैज ब्रोकन आउट होता है, ये ब्रोक आउट दे रखा है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम 66 की, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द एक्सटेसी, तो इसका जो हमें सिनोनिम छाटना था इसका जो आंसर होगा वो होगा डिलाइट, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंटरप्रेट, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वायलेंट, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, चूज द ऑप्शन डेट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो हमें दे रखा था स्पेंडथ्रिफ्ट, तो इसका सही आंसर होगा वो आएगा स्टी, तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 69 की, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज एज बोथ ए नाउन एंड वर्ब, तो इसका जो आंसर होगा परमिट, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन द नेशंस पॉवर्टी, तो ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है, पॉवर्टी आएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका वर्ड इज मीन्ड बाई द एडियम फार क्राई फ्रॉम, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वेरी डिफरेंट, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, कंप्लीट द गिविंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, दे स्टैंड एक्यूज्ड ऑफ, मतलब एक्यूज्ड ऑफ, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे
73, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज टू अपोजिट ऑफ द वर्ड कमिटी, तो कमिटी का जो अपोजिट होगा वो होगा आपका हॉस्टिलिटी, मतलब ऑप्शन बी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 74 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ड वाई द एटीएम हिट एंड हिट द सैक, इसका सही आंसर होगा वो होगा गो टू बैड, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 75 की, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज स्पेल्ड करेक्टली, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा साउथ एन, मतलब ऑप्शन बी इसका सिल हाउ थे, मतलब इसका ऑप्शन बी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 की, कंप्यूटर साइंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन ही वाज प्रमोटेड द रैंक ऑफ मेजर इन रिकॉग्नाइज ऑफ हिज वैलर, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 77 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ड बाई वर्ड डेट इट, मतलब उसका जो हमें निकालना था क्या मतलब है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बेस्ट मटेरियल, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 78 की, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो आई रिमेम्बर माय फादर टेकिंग मी टू द थिएटर, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आई रिमेम्बर बींग टेकन टू द थिएटर बाई माई फादर, ठीक है ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं 79 की, जो साइड पे रखा है कि आपका व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ नेकर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, का सही आंसर जो होगा आई एम टू टायर्ड, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक कर्ड का जो सही दूसरा मीनिंग होगा वो टायर्ड होगा, ठीक है तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 80 की, कंप्लीट द एनालॉजी, तो विलियम शेक्सपियर वेनिस, तो आपको विलियम शेक्सपियर ने आपका वेनिस एंड एडोनिस लिखा है, तो आपका विलियम बर्थ ने लिखा है आपका ए कंप्लीट, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 81 की, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी एस सी एच आई जेड ओ पी एच आर ई एन आई ए, ठीक है तो ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 82, तो इसमें हमें चार पार्ट दे रखे थे और एरर छाटना था हमें, ठीक है, तो आर यू कमिंग इज और स्टेइंग एट होम और विल यू गो एंड सी मॉम, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी आपका मतलब इसमें गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम 83 की, इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड आउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एरर, मतलब तीन पार्ट दे रखे हैं और इसमें हमें एरर निकालना है, अगर कोई एरर नहीं होता तो हम 14 चूज करेंगे, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका होगा टू टायर टू गेट द सर्जन टू इलिसिट डेट द जस्ट नीडेड टाइम, तो ऑप्शन सेकंड मतलब आपका मतलब इसमें गलत है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 84 की, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इमिशिएटेड, तो इसका आपका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा आपका लीन, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 से आपके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, ठीक है, जिसमें आपकी साइंस और जीएस दोनों मतलब आपकी ऐतिहासिक हिस्ट्री पूछी गई थी। तो सबसे पहले 85 में था घुन और केंचु जैसे अन्य जीवों को अपशिष्ट या मृत शरीर के खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका अपघटक, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है, दोस्तों इस क्वेश्चन में डाउट है, अगर मेरे हिसाब से सही होगा तो होगा आपका मिश्रोडक मृदा, मतलब ऑप्शन बी इसका सही होगा, लेकिन आपको बताना है कि आपके हिसाब से इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते 87 की, भारत जनसंख्या परिवर्तन में सभी चरणों से सफलतापूर्वक गुजर चुका है, अब व्यापक रूप से माना जाता है कि भारत में ऐसे अंतिम चरण में पहुंच गया जिनसे सांद्रता स्पेस में तेजी से गिरावट हुई, तो दोस्तों इसमें भी थोड़ा डाउट है, मेरे हिसाब से जो वो आंसर ऑप्शन ए होगा प्रवासन, ठीक है, कहीं कहीं पे प्रजनन शक्ति भी दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो होगा ए, आपको जो सही लगे वो आप आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 88 की, निम्नलिखित कौन सा शहरीकरण की सामान्य विशेषताओं शामिल नहीं है, तो वो है आपको ऑप्शन ए उच्च गुणवत्ता के जीवन में गारंटी, ठीक है ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 89 की, इनमें से कौन सी गरीबी प्रेरित प्रवासन के नकारात्मक सिंड्रोम बल है, तो वो है आपका केवल निजीकरण, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 90 की, एक वास्तविक खाद्य श्रृंखला में जीवों की अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं, उन्हें कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है अपघटक, मतलब ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में कौन सा जनसंख्या वृद्धि की दर के कार्य है, तो इसमें आंसर ऑप्शन ए केवल प्रजनन और प्रवासन, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है आपका 92, चारण खाद श्रृंखला में अति सरलीकृत कॉम्पैक्ट में सर्पों को वर्गित किया गया, तो ऑप्शन ए प्राथमिक मांसाहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, भारत के शहरीकरण के मूल विशेषताओं को इस तरह उजागर किया गया है, तो दोस्तों इसमें आपके चार आपके ऑप्शन दे रखे थे, इसमें सही ऑप्शन आंसर बता दे रहा हूं ऑप्शन बी होगा, कहने का मतलब इसमें फर्स्ट और सेकेंड दोनों आपके सही है, ठीक है जी, तो उसमें आपके हिसाब से आपका ऑप्शन बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 94 की,
कम घनत्व क्षेत्र में कम वर्षा के कर्कश भूभाग या कठिन जलवायु स्थिति या अन्य कारकों के संयोजन से ग्रस्त होते हैं। निम्नलिखित किस क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति जो है वो आपके सिक्किम में है। ऑप्शन बी आपका सही। नेक्स्ट आपका 95 निम्न भूरा कार्बन ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है इसका सही जो आंसर वो है आपका यह ईंधन के अपूर्ण दहन से निर्मित होता है। तो ऑप्शन बी आपका सॉरी ऑप्शन डी आपका जो वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। 96 में हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को कोई भी चांद नहीं? तो ऑप्शन सी आपका सही है, शुक्र का। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 97 द सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित हुआ है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित किस देश में पड़ोसी देश की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है आपकी चीन। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बवंडर क्या है? तो बवंडर कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है आपका इक्केडोर और पेरू के तट के अनुदिश कभी कभी समुद्र के सतही जल पर गर्म होने का कारण हो जाता है? तो वो है इसका आंसर एल नीनो। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 101 कौन सी जलवायु निम्न अभिलक्षण दर्शाती है? तो दोस्तों इसमें आपके चार दे रखे थे। ठीक है, आप चारों में जब पढ़ेंगे तो इसका सही जो आंसर निकलेगा वो होगा आपका टुंड्रा प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 102 द्वीप समूह का क्या तात्पर्य? तो इसका जो आंसर होगा काफी हद तक निकट द्वीपों का समूह। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 103 उलारू का तात्पर्य? तो उलारू जो है वो रेतीले पत्थर का विशाल शिलाखंड है जो ऑस्ट्रेलिया के लघु मध्य स्थिति में मध्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 104 कोपेन की जलवायु वर्गीकृत योजना के अनुसार आंध्र स्थितियों को प्रदत्त किन किन विकल्पों को प्रदत्त किया जाता है? तो ऑप्शन तो इसमें आपको पांच दे रखे थे। ठीक है, तो आप इन्हें पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से जो इसमें आंसर आएगा वो ऑप्शन आपका सी होना चाहिए। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन के बारे में क्योंकि आपकी क्वेश्चन बड़ा दे रखा है तो अगर आपको और कोई आंसर इसमें से लगता है तो मेरे कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, इसमें थोड़ा मेरे डाउट है लेकिन मेरे हिसाब से जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 105 की ब्राजील देश किस महाद्वीप में स्थित? तो वो होना चाहिए आपका दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन सी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 106 की निम्न में कौन सा पृथ्वी का निकटतम स्थित स्थान है? तो वो है अमृत सागर। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107 25 सितंबर 2019 को IMF के प्रबंधन संचालक के रूप में निम्नलिखित में किसे निर्वाचित किया गया? दोस्तों ये आपके करंट के हैं। ठीक है, तो करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी से क्रिस्टालीना जॉर्जीवा को आपको चुना गया था। तो ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 108 संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतारेस और संयुक्त राष्ट्र के विश्व के अन्य नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में किस अभिनव का पहल आरंभ किया गया जिसके अंतर्गत 150 वर्ष चलाने का अनुबंधन किया गया? तो इसका सही आंसर आपका गांधी शांति उद्यान। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 109 की श्रीलंका के सबसे बड़े टावर का नाम क्या है जिसका उद्घाटन 17 सितंबर 2019 को कोलंबो शहर में किया गया? तो इसका आंसर आपका ए लोटस टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 चौथे हिंद महासागर सम्मेलन 2019 को निम्नलिखित किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो वो है आपका माले। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 संयुक्त राष्ट्र ने मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया तो वो 30 जुलाई को मनाया था। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 112 की 112 है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में समारोह के दौरान फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ किया था, वो था 29 अगस्त। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर विद्यार्थी के लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करने वाला अन्य शिक्षा टीवी चैनल कल्वी थलाई इकाची किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया? तो वह है तमिलनाडु। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है अगर 2019 रूस से निम्नलिखित में किस ह्यूमनॉइड रोबोट का अंतरिक्ष में भेजा गया? तो ऑप्शन सी इसका स्काईबोट A803। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 29 जून 2019 को मनाए गए राष्ट्रीय आतंकी दिवस का विषय था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सतत विकास लक्ष्य SDGs। तो ऑप्शन ए इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 16 की नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है निम्नलिखित किसका चयन भारतीय निर्यात संगठन फीओ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो इसका सही आंसर है महेश चंद्र कयाल। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से 12 सितंबर 2019 को 24वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस आयोजित किया गया था, वो था आपका अबू धाबी में। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं IMD विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2000 में निम्नलिखित कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो वह है आपका USA। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जुलाई 2019 में निम्नलिखित में किस IPS अधिकारी को देश के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल BSF के अगले महानिदेशक DG के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो है आपके BK जौहरी।
ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 120। भारत के किस नृत्य कलाकार ने 17 जनवरी का के बोस्टन शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नृत्य मूर्ति कला चैंपियनशिप 2000 में पीपल्स चॉइस पुरस्कार जीता था। इसका सही आंसर सुदर्शन पटनायक, ऑप्शन ए इसका सही है। तो दोस्तों यहां तक थे आपके करंट के क्वेश्चन, अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन 121 की। तो क्वेश्चन नंबर 121 था, दो शब्द जिनको द्वारा अलग अलग किया गया था। दोस्तों यहां पर एक मेल दे रखा था, तर्कस का तीर से, तो म्यान का होता है तलवार से, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित श्रृंखला का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यहां पर आएगा ऑप्शन बी 815। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 123 की, छह दोस्त हमें तो छह दोस्त का एक दे रखे थे जो एक सर्किल में बैठे थे, तो उसमें पूछा गया था कौन सा असत्य है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही है, सी ए के ठीक बाई ओर है, तो ये ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 124 की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, नीचे दिए गए प्रश्न निम्नलिखित संख्या अच्छा संख्या प्रतीक व्यवस्था पर आधारित है, तो उसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अक्षर प्रतीक दाएं से तीसरे अक्षर, बाएं से और से सातवां अक्षर संख्या प्रतीक होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है आपका क्वेश्चन नंबर 125, प्रूडेंट शब्द में दो अक्षरों के ऐसे कितने सेट हो सकते हैं जिनके मध्य विद्यमान अक्षर की संख्या वर्णानुक्रम उनके मध्य अक्षरों की संख्या समान होगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 126 की, तो हमें दे रखा था कि इसमें नीचे प्रश्न में दो कथन और उनके फर्स्ट सेकंड में मतलब दे रखा था कि कुछ चूहे खरगोश हैं और कुछ खरगोश मच्छर हैं, तो उसमें हमें निष्कर्ष दे रखा था कि कुछ मच्छर चूहे जरूर होने चाहिए और सभी खरगोश चूहे हैं, तो कुछ मच्छर आपके खरगोश चूहे होने चाहिए, तो इसमें जो है आंसर जो निकलेगा वो आपका होगा ऑप्शन डी, यदि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड निकलता है। दोस्तों इसमें मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि मेरे नजर में ए भी सही हो सकता है और डी भी सही हो सकता है, अगर आप मुझे इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 127 की। दोस्तों 127 में है आपका कि हमें कोड भाषा सी बॉक्स फास्ट को ई के ए टी यू में रूप में लिखा जाता है, ऐसे सी लर्न फास्ट को जो का हिम के रूप में लिखा जाता है, तो दोस्तों इसमें पूछा है बॉक्स का कोड क्या होगा, तो बॉक्स के कोड के लिए कथन, तो जो उसका जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन सी, यदि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों का डेटा प्रश्न का उत्तर के लिए दोनों जरूरी है, मतलब इसके दोनों के लिए दोनों ही जरूरी होंगे फर्स्ट भी और सेकंड भी, तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आपका 128, तो यदि पी क्रॉस क्यू का तात्पर्य पी क्यू की बेटी है और पी प्लस क्यू का तात्पर्य पी क्यू का पिता है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे इसका सही आंसर बता देता हूं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आपका 129 की, क्वेश्चन नंबर 129 है, तो हमें एक कोड दे रखा था ब्रेकिंग का, इस तरीके से लिखा हुआ था दोस्तों, इस मधरली का पूछ रहा था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के जो आंसर है उसको लेकर मुझे डाउट है, तो इसका मेरे हिसाब से जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, इसका आंसर लेकिन मेरे हिसाब से जो होगा वो बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम 130 की, हमें एक श्रृंखला दे रखी थी EM3P57RTVZ, तो ये श्रृंखला दे रखी थी, इसमें पूछा था कि क्रम में बाएं किनारे से सातवें अक्षर और दाएं किनारे से नवें अक्षर के ठीक बीच का अंक जो आएगा, तो ऑप्शन आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 9, ऑप्शन बी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, तो हमें कुछ छवि दे रखी थी, तो इसमें डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं मैं आपका, इसका डायरेक्ट जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 132, वोकैबुलरी शब्द में अक्षरों का उपयोग करके निम्न कौन सा शब्द नहीं आ सकता, तो वो है ऑप्शन बी केवल। ठीक है, तो 132 क्वेश्चन तक आपकी रीजनिंग थी। नेक्स्ट बात करते हैं 133 क्वेश्चन की, तो दोस्तों 133 नंबर क्वेश्चन था, निम्न किस किन राज्यों की उत्तर प्रदेश के साथ लगी है, तो ऑप्शन ए आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम, उत्तर प्रदेश किस भारत की संस्कृत राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो वो ऑप्शन सी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, चार सिरों वाला शेर भारत में सरकार राष्ट्रीय चिन्हित के रूप में उपलब्ध किया गया है, तो यह है आपका सारनाथ, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो वह है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 37, निम्न किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑनलाइन विमान स्थित है, वो है आपकी मथुरा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 138 की, इसमें है आपका शहर और उनकी विशिष्टताओं के सही मिलान निम्नलिखित में क्या किया है, तो मुरादाबाद, तो आपका तो इसमें सही आंसर बता दूं फिरोजाबाद, तो वो चूड़ियों के लिए और कांच के उत्पादन के लिए, और वाराणसी जो हथकरघा और हस्तशिल्प, मतलब कहने का मतलब सेकंड और फोर्थ वाला जो ऑप्शन आपका सही, मतलब ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 139, गोविंद वल्लभ पंत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो वो है आपका वह ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे
मिर्जापुर, भदोही और खमरिया में निम्नलिखित किस वस्तु का निर्माण होता है जो भारत के कुल निर्यात का लगभग 90% है? वो है आपका कालीन। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्य हैं तो वो है आपके ऑप्शन बी 104-103 निर्वाचित होते हैं और एक नामित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, तो ऑप्शन बी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 142 की। 142 है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर जो थे वो थे आपकी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में कैसे कार्य निर्धारित किए गए हैं? तो वो है आपका उच्च न्यायालय जो है वो इलाहाबाद में है और उसका जो न्यायपीठ है वो लखनऊ में, तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 144, मिर्जापुर जिले में पाया जाता है? तो वो है आपका आपका ऑप्शन सी चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से कौन सा भाग अभ्यारण उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वो है आपके दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 146 की। 146 है, द्रव्यमान लंबाई समय के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में सही मात्रक, तो इसका ऑप्शन ए सही है, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व निम्नलिखित कौन सा? तो वह यूरेनियम, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, औषधि में कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव्य संबंधित है? वो है आपका फार्माकोलॉजी, ऑप्शन ए इसका सही। नेक्स्ट है आपका 149, निम्न में से कौन सी विधि सतह और पिंड के मध्य घर्षण बल बढ़ाने के लिए उचित है? तो वह ऑप्शन ए सतह का खुरदरापन बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 150, सरोतरी कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार के उत्तोलक का निर्माण मतलब इस्तेमाल किया जाता है? तो वह है ऑप्शन बी श्रेणी 2 के उत्तोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151, निम्न में से कौन सा विटामिन ज्यादातर खट्टे फल स्ट्रॉबेरी आलू में पाया जाता है? वो ऑप्शन आपका डी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 152 की। क्वेश्चन नंबर 152 है कि हमें तीन आपके विकल्प दे रखे थे, लिस्ट में लाल हो जाता है, लिस्ट में नीला हो जाता है, लिस्ट में रंग नहीं आता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, बिलियन फर्स्ट अम्ली है, सेकंड क्षारीय और थर्ड आपका उदासीन है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, उत्प्रेरकों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा उत्प्रेरकता बढ़ा देते हैं, पहला सही है ठीक है, और इसमें ये दोनों गलत है, कहने का मतलब चौथा आपका एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं, तो ऑप्शन आपका फोर्थ, मतलब कहने का ऑप्शन इसका सी सही होगा ठीक है, पहला और चौथा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 151 की, निम्नलिखित में से कौन सा आकेरसुकीय प्राणी का उदाहरण है? तो वो है ऑप्शन बी केचुआ और चौंक ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 155 का, मस्तिष्क का कौन सा भाग अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है? और जैसे हलचल, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थैलेमस, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 156 की, क्वेश्चन नंबर 156, यदि ट्रांसफॉर्मर प्राथमिक कुंडलन में तार का घुमाव द्वितीय कुंडलन की तुलना में ज्यादा है तो दोस्तों इसमें थोड़ा मुझे आंसर जो है वो थोड़ा डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से जो होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, प्राथमिक की तुलना में द्वितीयक पर आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होता है और उसके परिणामस्वरूप धारा बढ़ती है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगर आपको कोई आंसर दूसरा लगता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, जब मुक्त रूप से गिरता हुआ स्काई डाइवर उसके हाथ और पैर फैलाता है तो उसके गिरने की चाल पर तुरंत क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी चाल जो है वो घट जाती है, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, एलएक्स कहता है यदि चंद्रमा का द्रव्यमान उसके वर्तमान समय दुगना होता है तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य का बल दुगना हो जाता है। ट्रेसी कहती है यदि चंद्रमा पृथ्वी की आधी दूरी पर है तो द्रव्यमान बल चार गुना हो जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी, मतलब दोनों ही इसमें सही है ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 159 की, 159 में कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? तो वो है अहूदी, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, चंद्रगुप्त मंत्री कौटिल्य के महाजन ग्रंथ के कारण प्रसिद्ध हुए थे? वो थे अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 161, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किनके बाद हुआ था? तो वो हुआ था ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित? वो है आपका तुलभ वंश, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, निम्नलिखित में किस प्रारंभिक भारतीय पदार्थ की मुख्य अवधियों को घटनाक्रम से अनुसार क्रमित किया गया? तो वो होगा ऑप्शन बी आपका पहले पुरापाषाण काल, मध्यकाषाण काल, नवपाषाण काल और फिर हड़प्पा सभ्यता ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 164 की, दोस्तों उसमें क्वेश्चन है आपका 164, 15 से 16 शताब्दी के दौरान वाणिज्य व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था, हुंडी का क्या तात्पर्य? तो उसमें आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा का रूप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? वो है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, गुजरात समुद्र पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर निम्नलिखित किसके द्वारा नष्ट किया था? वो तो महमूद गजनबी,
ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 167, सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख और चित्र जैसे दृश्य सहित धातुकरण विश्लेषक और उनकी मिलान की स्थिति शामिल है, इसमें शामिल है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मुद्रा शास्त्र, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, बंगाल में 1757 स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्न कौन सा तत्व कौन सा सत्य नहीं है, तो दोस्तों इसके हिसाब से जो मेरा जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी होना चाहिए। अगर आपको कोई और लगता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखाएं, बताएं मुझे कि इसका आंसर जो है ये सही होगा, ठीक है, लेकिन मेरे में जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 169 की। 169 में आपका 185 में स्थापित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे आपके डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 170, निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहां आरंभ हुआ था, तो वो हुआ था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 171, 1853 में अंग्रेजों ने भारत का रेलमार्ग कहां से कहां तक बनाया था, पहली ट्रेन चली थी मतलब वो थी मुंबई से ठाणे, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लॉर्ड हार्डिंग ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया, तो वो था आपको झांसी राज्य को हड़पने के लिए, तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 173, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसमें जो है वो आपका ऑप्शन, इसमें मुझे डाउट है लेकिन मुझे लग रहा है ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगर आपको कोई दूसरा आंसर लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 174 की। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल समूह के बीच विभाजित हो जाने के बाद निम्नलिखित में किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल का माना जाता है, तो वो होगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 175 की, निम्नलिखित में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वो सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 76 की, भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा का उल्लंघन का नेतृत्व किया, तो वो तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 177 की, निम्नलिखित में से किस सत्र में दादाभाई नेहरू जी स्व सरकार या स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य के स्व घोषित किया गया था, वो है आपका कलकत्ता, ऑप्शन ए इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, इसमें हमको अब जरा इनमें से माउंट पेन योजना से संबंध बिंदु कौन कौन से, तो इसमें हमें दे रखा है कि पहला पंजाब विधानसभा विभाजन के साथ स्वतंत्रता के लिए मतदान करने हेतु हिंदू को मुसलमान दोनों समूहों को मिलेगी, दोस्तों इसमें जो है वो चारों ही ऑप्शन मेरे में सही है, तो इसका जो ऑप्शन वो होना चाहिए ऑप्शन डी आपका सही होना चाहिए। अगर आपको कोई अलग लगता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट बात करते हैं 179 की, जो है पारंपरिक रूपारी फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो है आपका पंजाब, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित कहां लोकगीत की एक शैली रागनी प्रसिद्ध है, वो है आपकी हरियाणा, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 81, किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं को एक वर्ष के मापे गए बाजार को भाव को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे आप 182 की, औसत उपभोग प्रवृत्ति है, तो वो है ऑप्शन डी प्रति इकाई आय परिवर्तन पर उपभोग में परिवर्तन, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 183 की, होने से सिल्क रूट के बारे में निम्न कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें आपका सिल्क रूट का उपयोग केवल रेशम के व्यापार के लिए किया जाता है, पहला आपका सही है इसमें, ठीक है, और मार्स संसाधन के लिए ये भी सही है आपका, तो इसमें सिल्क रूट पूर्वी उत्तरी, तो मेरे नियम में इसका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर आपका फोर्थ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई दूसरा आंसर लगता है तो आप इसमें मुझे जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे आपका 184, सूफी के संबंध में मतलब सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं, तो इसमें आपका पहला कथन सत्य है, ठीक है, दूसरा भी सत्य है, और जहां तक है इसमें से आपको मैं बता दूं मेरे नियर में जो होगा वो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अगर आपको कोई दूसरा आंसर लगता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 185 की, प्रदत्त समय अवधि में वस्तु को निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य अंतर को कहा जाता है, तो उसे कहते हैं हम व्यापार संतुलन, कहने का मतलब वोट, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट बात करते हैं 186 की, 186 है भारत के क्षेत्रीय वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है, तो वो है आपका वी ऑप्शन बी G20। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे भारतीय रक्षा बल सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया आज से आरंभ किया जाता है, तो वो है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 189, राजकोषीय घाटा क्या है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है आपका, ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियों में उसके व्यय पूर्ति में विफल हो जाती है, तो क्वेश्चन ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट बात करते हैं 190 की, यह आपका भूक्षरण में कौन से कारक योगदान देते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, पशुओं का अतिचारण, वर्षा और हवा,
ठीक है। नेक्स्ट आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 191 की, औद्यानिकी और पुष्पोत्पादन के लिए निम्नलिखित किस क्षेत्र में ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है, तो वो होता है आपका ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला, मतलब ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम, सरफेस मलिंचिंग निम्नलिखित किसका उदाहरण है, तो वो है आपका ऑप्शन ए यांत्रिक और कृषि विज्ञान मृदा जल संरक्षण का, तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सब्सिडी का उद्देश्य है तो उत्पादन बढ़ाना, तकनीक बढ़ा देना होती है, तो उसका जो आंसर होगा वो लास्ट वाला ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो अगर आपको कोई दूसरा आंसर लगता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट बात करते हैं 194 की, 194 है यथा मूल का कर का तात्पर्य, तो इसका सही आंसर वो है आपका बाजार में लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना, तो ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, सॉरी ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 195 की, अम्लीकरण और नाइट्रेट निचालन क्या है, तो इसका सही आंसर है आपका मृदा में रासायनिक के रिसाव की प्रक्रिया, तो ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 196 की, इनमें से किस उपाय का पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन बी वाटर शेड आधारित प्रबंधन प्रणाली, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट बात करेंगे 197 की, निम्न निर्धारित पंक्ति में बिना एक ही समय पर दो से अधिक फसलों को गोधन कहते हैं, तो उसे कहते हैं अंतर खेती, ऑप्शन सी इसका सही। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 198 की, 198 है बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का निम्न क्या प्रभाव पड़ता है, दोस्तों इसमें थोड़ा मुझे डाउट है लेकिन मेरे हिसाब से जो सही होगा वो होगा आपका चौथा ऑप्शन, इसमें सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप अगर कोई दूसरा ऑप्शन आपको सही लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 199 की, परिरेखा खेती, परिरेखा पट्टीदार खेती, निम्नलिखित मिश्रित खेती और जुताई में किस शब्दों का उदाहरण, वो है आपके आंतरिक और कृषि विज्ञान मृदा जल संरक्षण, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 200, अंतर खेती की सफलता के लिए आदर्श रूप से निम्नलिखित किन अवस्थाओं में पूर्ति की जानी चाहिए, तो दोस्तों आपके चार विकल्प मतलब ऑप्शन दे रखे थे हमें और चार में से हमें चूज करना था कौन सही है, तो मेन में जो सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। इसका थर्ड मतलब फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और थर्ड सही है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको 200 नंबर क्वेश्चन कुछ डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थे आपके 200 क्वेश्चन, मैंने पूरा पेपर आपका एक ही वीडियो में आपके आंसर की दी है, ठीक है। आपको जिन जिन क्वेश्चनों पर डाउट है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं उन क्वेश्चंस को ज्यादा डिटेल में आपको फिर मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।